24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है मुंबई से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज होने से पहले ही भारत में हलचल मचानी शुरू कर दी है। जी हाँ, फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलते ही इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और टिकट बुकिंग वेबसाइट पर लोग इतनी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं कि इनके ट्रैफिक को देखते हुए वेबसाइट क्रेश होने की खबरें भी आ रही हैं। भारत में फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु भी 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि तमाम सिनेमाघरों में इसके शोज लगातार 24 घंटे होंगे। फिल्म का पहला शो 16 दिसंबर की सुबह 5 बजे होने जा रहा है। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर बीते कई महीनों से सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हाल के दिनों के तीनों स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं और इस बात को बल इससे भी मिल रहा है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में इसके 3 विलेन दिख रहे हैं। अलग अलग कालखंडों के इन खलनायकों की कहानी मौजूदा समय के स्पाइडरमैन से कैसे मिलती है और कैसे अलग अलग कालखंडों को इस फिल्म की कहानी एक सूत्र में जोड़ती है, इसे लेकर स्पाइडरमैन के प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया पर लगातार कहानियां बन रही हैं। जी हाँ, दुनिया भर में फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद इसकी एडवांस बुकिंग से बनती दिख रही है। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने भारत में भी मार्वल की इस साल रिलीज हुई फिल्मों सांची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स और इटनर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद खुले सिनेमाघरों में फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज से पहले इन्हीं दोनों फिल्मों ने दर्शकों को सिनेमाघर तक वापस लाने का काम किया था।